दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर हवाई जहाज के टॉयलेट का वेस्ट जाता कहाँ है? क्या आपको पता है कि एक साल के अंदर ये दुनिया लगभग 1 बिलियन टन से भी ज्यादा खाना वेस्ट कर देती है? और क्या आपने तो विंड फोन के बारे में सुना है जिससे आप मरे हुए लोगों से बातें कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं हांगकांग में पार्किंग के चार्जेस $1 मिलियन से भी ज्यादा महंगे होते हैं? और आखिर ईस्टर आइलैंड में गड़े हुए स्टोन हेड्स के नीचे क्या छुपा हुआ है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों पूरी दुनिया एक साल में लगभग 1 बिलियन मैट्रिक टन खाना बर्बाद कर देती है। 2021 की फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 61% फूड वेस्ट घरों से निकलता है, 26% फूड वेस्ट सर्विस इंडस्ट्री जैसे रेस्टोरेंट फूड स्टॉल से निकलता है और 13% फूड वेस्ट सब्जियों की दुकानों से निकलता है। और तो और एक स्टडी के अकॉर्डिंग 2019 में अकेले US के अंदर 931 मिलियन मैट्रिक टन फूड वेस्ट हुआ था। जबकि इस दुनिया में ऐसे बहुत से देश है जो भुखमरी का शिकार बने हुए हैं, इसीलिए हमें खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 19। मार्वल्स के इनक्रेडिबल हल्क का नाम सुनते ही आपके दिमाग में हल्क की बड़ी सी ग्रीन कलर की बॉडी आ जाती होगी, पर क्या आपको पता है मार्वल कॉमिक्स के राइटर स्टैन ली ने हल्क का कलर ग्रीन नहीं बल्कि ग्रे चूज किया था। लेकिन जब कॉमिक को प्रिंट होने के लिए भेजा गया तो प्रिंटर में हल्क का कलर बहुत कोशिशों के बाद भी ग्रीन ही आ पा रहा था, जिसके बाद स्टैन ली ने हल्क को ग्रीन अपीयरेंस में ही रखने का फैसला किया और तब से हल्क ग्रीन कलर में ही है। क्या ये आपको पहले पता था? हमें कमेंट्स में यस या नो टाइप करके बताओ। नंबर 18। इस तस्वीर में आप जो जगह देख रहे हैं इसे ईस्टर आइलैंड कहते हैं, जो साउथ पैसिफिक ओशियन में मौजूद है। इस आइलैंड पर ऐसे बहुत से पत्थरों के हेड्स बने हुए हैं जो जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। इन सब की लंबाई 30 फीट ऊंची है। आज तक लोग समझ नहीं पाए थे कि आखिर स्टैचू का सिर्फ सर ही क्यों बनाया गया था। ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। फिलहाल हुई खुदाई से पता चला कि इन स्टैचूज का शरीर जमीन के अंदर दसा हुआ था, पर जमीन के अंदर गाड़ने की वजह आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। पर हमें पूरा यकीन है कि आर्कियोलॉजिस्ट बहुत जल्द इस मिस्ट्री को भी सुलझा लेंगे। नंबर 17। अंटार्कटिका दुनिया की सबसे ठंडी जगह है। क्या आप जानते हैं कि अंटार्कटिका में 45 दिन से ज्यादा रहने पर इंसान का दिमाग श्रिंक यानी सिकुड़ने लगता है, जिसकी वजह से वो सोशलाइजिंग को ना पसंद करने लगता है। और तो और एक्सट्रीम ठंड होने की वजह से इंसानों का रिप्रोडक्शन सिस्टम भी ब्लॉक हो जाता है। नंबर 16। ग्रीनलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीनलैंड की शार्क्स 150 साल की उम्र में सेक्सुअली मैच्योर हो पाती हैं? और तो और ग्रीनलैंड में ये शार्क्स 500 साल से लेकर 1000 साल से भी ज्यादा लंबी उम्र तक जीती हैं। वैसे अगर आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो दोस्तों हमारे चैनल का एक एम है कि हमें जल्द ही 100K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा ये एम अचीव करने में हमें सपोर्ट करो। थैंक यू। नंबर 15। दोस्तों क्या आपको पता है नॉर्थ अमेरिका में आमिश नाम का एक अलग क्रिश्चियन ग्रुप है जो मॉडर्न वर्ल्ड को क्रिटिसाइज करते हैं और अपनी लाइफ को बाइबल में बताए गए तरीकों से जीते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि आमिश लोगों का अपना एक अलग कस्टमाइज्ड कंप्यूटर भी होता है जिसमें इंटरनेट म्यूजिक और वीडियोस नहीं चलती हैं। आमिश लोग धीरे धीरे अपनी सहूलियत के लिए मॉडर्न चीजों को अपने हिसाब से बना रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 14। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में पार्किंग चार्जेस बहुत महंगे हैं, तो ये फैक्ट जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों हांगकांग शहर की 5th tallest building द सेंटर में एक पार्किंग स्पॉट का प्राइस $9,69,000 है। हांगकांग दुनिया की सबसे महंगी पार्किंग चार्ज लेने वाली कंट्री है और हांगकांग में अब तक का सबसे महंगा पार्किंग स्पॉट $1 मिलियन से भी ज्यादा का बिका था। नंबर 13। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स की बॉडी में बहुत से इंटरनल चेंजेस आते हैं, जैसे बीपी और थायराइड लगातार फ्लक्चुएट होते रहते हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स के नेल्स और बालों का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है? ऐसा हार्मोन्स में लगातार आ रहे बदलावों और बढ़ते ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। नंबर 12। आपका जब मन होता है आप अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से फोन पर बात कर लेते हैं, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसा भी फोन है जिससे आप मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं? जी हाँ, ये वाकई शॉकिंग है। दरअसल जापान के एक आदमी इतारू ससकी ने जापान में हिल टॉप गार्डन में एक टेलीफोन बनाया है जिससे आप अपने मरे हुए करीबी लोगों से बात कर सकते हैं। असल में इस फोन पर सिर्फ वन साइडेड कॉन्वर्सेशन ही होती है। ये टेलीफोन बस लोगों को अपने दिल की बातें करने के लिए लगाया है जो वो अपने मरे हुए करीबी लोगों से करना चाहते थे, ताकि उनके अंदर के इमोशंस उनके अंदर ही ना मर जाए। इस फोन को द विंड फोन कहा जाता है। नंबर 11। बचपन में आपने बहुत बार अपनी नाक बंद करके बात करने की कोशिश करी होगी। नाक बंद करके बोलने पर आपकी आवाज़ बदल जाती है, लेकिन क्या आपको पता है आप अपनी नाक को पकड़कर कभी भी नहीं बोल सकते हैं। आप ये अभी ट्राई करके देख सकते हो। नंबर 10। दोस्तों अक्सर लोग फिट रहने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ऑयली खाने से भी ज्यादा किस चीज से इंसान का वेट तेजी से बढ़ता है? दोस्तों इंसान का सबसे ज्यादा वेट पोटैटो चिप्स खाने से बढ़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च से पता चला कि पोटैटो चिप्स से एक इंसान का वजन लगभग 1.69 पाउंड्स तक बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो पोटैटो चिप्स छोड़ दीजिए।
नंबर 9, आप जब भी स्टार्स यानी तारों को देखते हैं तो आपको वो हमेशा ट्विंकल यानी टिमटिमाते हुए नजर आते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है स्टार्स कभी भी टिमटिमाते नहीं है, बल्कि उनकी चमक और लाइट हमेशा कांस्टेंट यानी एक जैसी ही रहती है। दरअसल अर्थ के एटमॉस्फेयर और अलग अलग लेयर्स की वजह से स्टार्स हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। नंबर 8, दोस्तों जैसे चींटियों की रानी और सोल्जर्स होते हैं, वैसे ही टर्माइट्स यानी दीमक की भी रानी और सोल्जर्स होते हैं। दीमक किसी भी चीज के अंदर अपनी एक कॉलोनी बना लेते हैं जिसके बारे में इंसानों को जल्दी पता तक नहीं चलता है। क्या आपको पता है दीमकों की रानी दुनिया के सभी कीड़े मकोड़ों से ज्यादा लंबी उम्र तक जीती है? दीमकों की रानी लगभग 50 से 100 साल की उम्र तक जिंदा रह सकती है, जबकि दीमकों के सोल्जर सिर्फ 1 या 1.5 साल तक ही जिंदा रहते हैं। नंबर 7, इस मॉडर्न जमाने में आपने कोई भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं वोल्केनो फटने के बाद क्या होता है? 1815 में इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा वोल्केनो इरप्ट हुआ था, जिसके बाद पूरे 2 हफ्तों तक पूरे एरिया में डस्ट उड़ती रही थी और अर्थ के एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी अर्थ तक नहीं पहुंच पाई और उस पूरे साल बिल्कुल भी गर्मी नहीं पड़ी, बल्कि एक्सट्रीम लेवल की ठंड रही। उस साल को नो समर ईयर का नाम दिया गया था। नंबर 6, इंसान के दांतों को उसकी बॉडी का सबसे मजबूत हिस्सा माना जाता है। क्या आप जानते हैं इंसान के दांत एक शार्क के दांत के बराबर मजबूत होते हैं? शार्क और इंसान दोनों के दांतों की इनेमल कोटिंग एक जैसी होती है। दोनों के दांत मिनरल क्रिस्टल से बने होते हैं। ये बात प्रूव करती है कि इंसान वाकई एनिमल किंगडम के टेबल में सबसे टॉप पर आता है। नंबर 5, आपने वेटरन सुपरस्टार देव आनंद का नाम तो सुना ही होगा। क्या आपको पता है कि देव आनंद पर ब्लैक कलर बैन था? दरअसल वो अपनी एक्टिंग स्किल्स के अलावा अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर थे। हाँ दोस्तों, फीमेल्स इनकी खूबसूरती की पागलों की तरह दीवानी थी। फीमेल्स इन्हें देखने के लिए अपनी छतों तक से कूद जाती थी और इसी वजह से देव आनंद पर ब्लैक कपड़े पहनने के लिए बैन लगा दिया गया था। नंबर 4, चंद्रयान और मंगलयान का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने समंदरयान का नाम सुना है? दोस्तों, इंडिया ने हाल ही में समंदरयान की अनाउंसमेंट की है, जिसमें इंडिया के कुछ एक्सपर्ट्स समंदर के अंदर लगभग 6000 फीट की गहराई तक जाकर रिसर्च करेंगे। ये वाकई एक बहुत हैरत अंगेज मिशन होगा। नंबर 3, दोस्तों सुनने में मिलियन डॉलर्स और बिलियन डॉलर्स दोनों ही अच्छे लगते हैं। हम सोचते हैं कि बिलियंस न सही तो मिलियंस पैसे भी हमारे लिए बहुत होंगे। क्या आपने कभी सोचा है मिलियन सेकंड्स में कितने दिन होते हैं और बिलियन सेकंड्स में कितने दिन होते हैं? असल में 1 मिलियन सेकंड से 12 दिन, वहीं दूसरी तरफ 1 बिलियन सेकंड से 32 साल बनते हैं। मिलियन और बिलियन डॉलर्स में फर्क होता है, उससे कहीं ज्यादा फर्क इन्हें सेकंड्स में मेजर करने पर नजर आता है। नंबर 2, आपने फ्लाइज यानी मक्खियों को इस तरह से अपने हाथों और पैरों को रगड़ते हुए देखा होगा। क्या आपको पता है मक्खियाँ ऐसा क्यों करती हैं? दरअसल मक्खी चाहे कितनी भी गंदी चीजों पर क्यों ना बैठती हो, लेकिन फिर भी वो खुद को साफ रखती हैं और इसीलिए अपनी आर्म्स को ऐसे रगड़ के साफ करती हैं। इसके अलावा ये रिसेप्टर्स को साफ करने के लिए भी ऐसा करती हैं और इसी तरह मक्खियाँ अपनी पूरी बॉडी को साफ रखती हैं। नंबर 1, आप भी हमेशा सोचते होंगे कि एयरप्लेन में जो टॉयलेट होता है उसका वेस्ट आखिर कहाँ जाता है? बहुत से लोगों को लगता है कि ट्रेन की तरह एयरप्लेन का वेस्ट भी साथ के साथ नीचे गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में एयरप्लेन के अंदर पहले से ही 1000 गैलन का स्टोरेज बना होता है, जिसको पूरा भरने के लिए एक आदमी को लगभग 40 साल लगेंगे, लेकिन जैसे ही एयरप्लेन लैंड करता है उस टैंक को जल्दी से साफ कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।